दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आएं हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजमतुल्ला है। मैं आज जो सो CP साइबराबाद स्टीफन रविंद्र साहब के CP कन भी कंप्लेन दिया और DCP साहब कन भी जाके कंप्लेन दिया, और अब मैं मालाडेपल्ली CA साहब के नाया सो हूँ। एक शख्स है, उसका नाम है उमर उल हक, पेशे से वो एडवोकेट है, वो उसके नाम पे धब्बा है। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी है, मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का, जो उसे एक साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। उससे मार्च में मिला मैं, जो सो मेरी बीवी की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज करता हूँ बोल के मेरे बीवी के साथ जो है गलत रेपिंग के रेप करा, समझिए ना, गलत हरकत करा। कई होटलों को गया उन्हें मेरे ये बीवी के साथ, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे लेके और मेरा पूरा पैसा खा लिया उन्हें, और कई बॉन्ड पेपरों पे मेरे से 2600 रुपये के बॉन्ड पेपरों पे जो है सो ब्लैंक थंब इम्प्रेशन लेके और जो है सो सिग्नेचर कराया, मेरे चेकबुक ले लिया, मेरे पासपोर्ट आए, मेरे बच्चे के पासपोर्ट, मेरे बीवी का पासपोर्ट, मेरे जो है सो 50 लाख रुपये खा लिया, और जो है सो मेरे क्रेडिट कार्ड पूरे स्वाइप कर लिया उन्हें। उसकी होटल थी रॉयल फूड कोर्ट बोल के चंद्रांगुटे पे, मेकन पूरा एविडेंस के साथ ही है, और मेरे को इंसाफ चाहिए हुकूमत से, और मेरे बच्चे को मेरे को जान को देता है, और ओलंपिया होटल इन बोल के आरामगढ़ पे है, जो है सो उन्हें हम लोग किडनैप करके रखा था। किडनैप बोलते जाने देता आता था, लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, कहीं को बोलता हूँ जान के धोखा था, हमेशा मारे तुम बोलता था, और वीडियो कॉल में गन दिखाया मेरे बच्चे को, मेरे को मेरे बच्चे से भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। बहुत तकलीफन में, बहुत परेशान, मेरी जान को धोखा है, मेरे भाई, मेरे वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे भौनियों को हमेशा बोलता इन्हें पहचानता उन्हें पहचानता बोल के, और एक स्माइल मर्डर बोल कभी भी उसकी धमकी देता हूँ उन्हें। आप मिले कैसा उससे, और ये उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसी दबाव में क्यों आए? उसके भौनी, मैं एक मेरे बी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, 2016 को आए थे, ऐसे दो साल के बाद जो सब मेरी बीवी की दिमाग हालत ठीक नहीं थी, तो मैं मुर्शिदगंज गया था बेगमपेट पे, तो उनकन से जो है उनके भौनी साहब मिले थे मोइन बोल के, मोइन बोल से इनसे उमर उल हक से मिलाए थे मेरे को, तो उनसे मिले तो तकरीब तो ना बोले कि ऐसा मैं इलाज भी करता हूँ भाई, मैं हाफिज़ हूँ बोल के करे समझो ना। अभी आपके वाइफ आपके साथ है? नहीं, मेरे वाइफ साथ नहीं है, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे रख के मेरे वाइफ से खुला दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था, और वो भी 12 बजे खादियाम को होटल पर बुला के ज़बरदस्ती 15,000 रुपये देकर खुला के नाम पे साइन कराया, और सर्टिफिकेट भी उसके नीचे पूरे खुला नाम है। मेरे को एक बेटा है, और हर चीज़ लिखा लिया मेरे से, नाम मार दिया, अगर मैं नाम मार तो बेटा कैसे पैदा हुआ भाई? अब मेरे बेटे से पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का पूरा हाल, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, उसको पूरा मालूम। बोलो थे साथ में आपके? हमेशा हमेशा ऑस्ट्रेलिया में उम्र लोग आपके साथ थे? नहीं नहीं थे, यहीं मुलाकात इनसे, मुलाकात कहाँ करें? यहाँ उसके ऑफिस पे मोइन भाई ले आके मिलाए, वादिया फरान में रहता उन्हें बल्लागुड़ा। लेकिन अभी तो सुना कई होटलों में ले गया उन्हें, होटलों के नामांक के साथ में एविडेंस के साथ भी है, पार्क हयात गच्ची बोली पे भी ले गया बीवी को, और जो सो शेरिटन होटल है गच्ची बोली पे वहाँ ले गया, और मुरुगन सागर रोड अपना नेशनल डियर पार्क वहाँ ले गया। हाँ, मेरे को बाहर खड़ा कर देता था डरा के, इला दोनों रूम में जाते थे, क्या क्या कि बाथ टब में पैरा रख के दुआ पढ़ के क्या कि सुनाता था उन्हें, बेहोश रहते थे वो समझिए, और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था मेरे 35 लाख रुपये, जो सो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के आता था, घर पे भी आके वही काम करता था, रूम में मेरे को मेरे बच्चे को हाल में भेज सकता, उसको भी पूछ सकते आप। 35 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा था वो ज़बरदस्ती, इतने पैसे खाए अब तक? अब तक मेरे 50 लाख रुपये खा लिया, 50 से 60 लाख। आप बोल रहे हैं अभी होटल में आपके जो एक्स अहलिया थे उन्हें होटल में साथ में रूम में जाते थे, तो ये काम दोनों की रजामंदी से होता था या प्रेशर में होता था? मेरे को तो दबा के उनको भी प्रेशर करता था कि तेरे शोहर को मारे तुम और तेरे बेटे को मारे तो चल बोल के ज़बरदस्ती लाता था। किसके साथ है? उसके साथ ही थे। अभी शादी जैसा कि आप बोल रहे हैं प्रेशर में नहीं थे, प्रेशर में रह के दबाव डाल के काम कर रहे थे, तो दबाव डाल के काम करे उसके बाद में फिर दबाव डाल के शादी तो नहीं कर सकते? नहीं, उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है उनकी तरह, वाइफ की। हाँ, उनको कहाँ पर, कितनी जगह पर कंप्लेन दी है? मैं देखिए CP साहब का दिया, स्टीफन रविंद्र साहब का ने, और दो से DCP जगदीप सर अपना शमशाबाद, अब मैं CA साहब का ने, खास DCP से आप साहब जो है सिप साहब जो है फ़ोन करके बोले अपने CA साहब। अभी हमारे पल्ली PS 35 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा था बोल के, उसमें से जो है रमजान में ज़बरदस्ती मेरे को करके जो है मेरे दोस्त कन बिल्डर कन ले आके 20 लाख रुपये लिया, 15 लाख कैश लिया, और 5 लाख रुपये का चेक विड्रॉ करा, फिर परसों जाके फिर 5 लाख लिया जून में, ये जुलाई में, और 2 लाख 27 लाख रुपये उनकन से ले लिया, और मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, पूरा एविडेंस है मेकन उसकी फोटो थी, पूरे मेरे अब तक 10 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड थे पूरे स्वाइप करवाने, और पूरा बीवी का सोना रैन में, वो पूरे A to Z एविडेंस है मेकन है,
आप चाहे तो चेक कर सकते हो। मुकामी कहाँ के? मैं मुकामी हैदराबाद के। उनका कुछ चैनल वगैरह भी था क्या? हाँ, उनका नाम, उनका चैनल भी था एक यूनिवर्सल न्यूज़ बोल के। कब बना हुआ चैनल? वो चैनल बनो के एक 6 महीने और शायद उन्होंने एडवोकेट के नाम पे धब्बा है सब, पूरे एडवर्टाइजमेंट के नाम भी खराब होता उन्होंने बोलते, लेकिन अब क्या है, क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? हुकूमत से यही चाह रहा हूँ कि मेरी जान को धोखा है, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे वालदा और मेरे बच्चे मेकू। मैलरदापल्ली में किस एरिया में रहते थे? अब मैलरदापल्ली में अकबर कॉलोनी का मोटापल्ली, मोटापल्ली। मेरे को पूरा भरोसा कि पुलिस मेरा साथ देंगे, एक बोलते पूरे एविडेंस में सच्चाई पर लड़ रहा हूँ, बुनियाद सच का साथ देंगे, अल्लाह ताला मेरे को इसमें सच की जीत देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजहरुल्ला है और मैं रहता हूँ मोई फंक्शन हॉल का अकबर कॉलोनी मैलरदापल्ली गन, और यहाँ पर हमारे आपके पापा को किडनैप करके लेके गए? नहीं नहीं नहीं, लेके गए झूठे कंप्लेन है, और मैं मेरे मर्जी से गया, और मेरे पापा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी किडनैप नहीं कर सकता, ये गलत इंजाम है। हाँ। बेटा आपके पापा किसी के दबाव में आके आपको डराए करे क्या? नहीं नहीं, अब तक कुछ भी नहीं करे, मारे भी नहीं। तो कौन डरा रहे थे आपको फिर? मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने डरा रहे थे। और बात मैं कभी शरारत वे करती था तो मेरी कमजोरी इन्हों थे, इसको मार दे तुम जान से, वो बोल के ऐसा बोलते थे। आप लोग को जब होटल में थे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ में एक ही रूम में थे? हाँ थे। तो क्या होता था वहाँ पर? उमर उल हक और हमारे मम्मी गंदा काम करते थे, और जो है सो हमारे पापा को जो है सो धमकिया देता था चाकू लगा के। और एक बार तो फ़ोन पे बोला किसको कि वो 10 लाख रुपए देता हूँ हमारे दादी, मेरे दादी और दादा और हमारे तायबा का मर्डर करा दो बोल के, ऐसे बोले उन्हें इंजाम ऐसा बोले। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद, बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।